हेलो एंड वेलकम है दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एडवांस रीडर्स क्लब यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं सभी को जो है एक्सप्लेन करूंगा कि एक कंपैरिजन है छोटा सा, जो मैं पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। एक है फ्लूडाइज बेड रिएक्टर और एक है फिक्स बेड रिएक्टर, दोनों का जो है मैं आपको कॉम्पेरिजन जो है पॉइंट वाइज मेरे इस व्हाइट बोर्ड पे जो है एक्सप्लेन करूंगा। तो जिन लोगों को अभी तक नहीं पता है कि फिक्स बेड रिएक्टर और फ्लूडाइज बेड रिएक्टर में क्या होता है, तो ये वीडियो को देख लीजिए। मैं आपको इसका जो है पॉइंट वाइज जो कंपैरिजन एक्सप्लेन करूंगा, और आपको इसकी जो सेपरेट अगर वीडियो चाहिए होगी तो मैं, मेरे को अगर टाइम मिला तो मैं इसके बारे में जो है सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा। तो अगर दोस्तों आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो चाहिए तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाजू में लगे हुए बेल के आइकन को क्लिक करना, ताकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो जो है आपको हमेशा हमारे चैनल पर मिलते रहे। तो चलिए ज्यादा बकबक ना करते हुए जल्दी से जल्दी जो है इस वीडियो को जो शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो दोस्तों देखिए, हम इस वीडियो को जो है जल्दी जल्दी शुरू कर रहे हैं। हम जो पढ़ेंगे अभी कंपैरिजन पढ़ेंगे, एक है फिक्स बेड रिएक्टर और एक है फ्लूडाइज बेड रिएक्टर। तो चलिए मैं आपको जो पॉइंट वाइज जो इसका पूरा जो है डिफरेंस समझा रहा हूं। यह है फिक्स्ड बेड रिएक्टर, और यह है फ्लूडाइज्ड बेड रिएक्टर। फ्लूडाइज्ड बेड दोनों का जो है मैं आपको यहां पे पॉइंट वाइज जो है कंपैरिजन जो है एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए हम फर्स्ट जो है देखते हैं फिक्स बेड रिएक्टर। तो फिक्स बेड रिएक्टर मींस क्या होता है, कंस्ट्रक्शन देखते हैं पहले इसका। It consists of tubular reactor, ये क्या रहता है, टाइप का ट्यूबुलर रिएक्टर रहता है। आप देखते हैं फ्लूडाइज्ड बेड रिएक्टर में इसमें इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल सिलेंड्रिकल वेसल, ये क्या है, एक टाइप का वर्टिकल टाइप का सिलेंड्रिकल वेसल है फ्लूडाइज्ड बेड रिएक्टर। चलिए अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है डिफिकल्ट रहता है कंट्रोल करने के लिए टेम्परेचर, फिक्स बेड रिएक्टर। बट फ्लूडाइज बेड रिएक्टर क्या रहता है, इजी रहता है टू कंट्रोल टेम्परेचर। ये है फिक्स बेड रिएक्टर क्या रहता है, डिफिकल्ट रहता है कंट्रोल करने के लिए टेम्परेचर, बट फ्लूडाइज बेड रिएक्टर क्या रहता है, ये इजी रहता है टू कंट्रोल टेम्परेचर। चलिए हम देखते हैं अभी थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, देयर आर पॉसिबिलिटी टू डेवलप हॉटस्पॉट। इसमें जो रहती है पॉसिबिलिटी रहती है डेवलप होने की हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट मींस क्या होता है, एक दाग धब्बे, दाग धब्बे बोल सकते हैं आप किसी भी रिएक्टर्स पे, जो दाग धब्बे के निशान जो होते हैं आने के चांसेस रहते हैं फिक्स बेड रिएक्टर पर। बट फ्लूडाइज बेड रिएक्टर पे क्या रहता है, देयर आर नो पॉसिबिलिटी टू डेवलप हॉटस्पॉट, नो पॉसिबिलिटी, देयर आर नो पॉसिबिलिटी टू डेवलप हॉटस्पॉट। इसमें जो रहता है दोस्तों पॉसिबिलिटी ना रहती हॉटस्पॉट डेवलप होने की, आप देख ही सकते हैं इसमें पॉसिबिलिटी नहीं रहती। ये फ्लूडाइज बेड रिएक्टर में पॉसिबिलिटी नहीं रहती, बट
फ्यूजबल रिएक्टर में पॉसिबिलिटी रहती है हॉटस्पॉट डेवलप होने की। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? ये जो होता है लो ऑपरेटिंग कॉस्ट रहता है इसका, फिक्स बेड रिएक्टर का क्या रहता है? लो ऑपरेटिंग कॉस्ट रहता है। बट फ्लूइडाइज्ड बेड का क्या रहता है? हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट रहता है। क्या बोला? फिक्स बेड रिएक्टर में लो ऑपरेटिंग कॉस्ट रहता है और फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर में हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट रहता है। तो चलिए हम अभी बढ़ते लास्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट पॉइंट क्या है? गैस सॉलिड कॉन्टैक्ट। Is not efficient. इसमें गैस और कॉन्टैक्ट एफिशियंट नहीं रहता, बट इसमें क्या रहता है? एफिशियंट रहता है। गैस सॉलिड कॉन्टैक्ट ये जो है फिक्स बेड रिएक्टर में गैस और कॉन्टैक्ट इज नॉट एफिशिएंट रहता है, बट फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर में एफिशिएंट रहता है गैस और कॉन्टैक्ट। तो चलिए मैं आपको और एक बार जो इसका पूरा पॉइंट समझा रहा हूं। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिक्स बेड रिएक्टर और फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर का। इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूबुलर रिएक्टर। ये जो होता है फिक्स बेड रिएक्टर एक टाइप का ट्यूबुलर रिएक्टर होता है, बट फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल होता है, वर्टिकल सिलेंड्रिकल वेसल। फिक्स बेड फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर क्या होता है? एक टाइप का वर्टिकल सिलेंड्रिकल वेसल रहता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, डिफिकल्ट टू कंट्रोल टेंपरेचर। इसमें डिफिकल्ट रहता है टेंपरेचर को कंट्रोल करना, बट फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर में क्या रहता है? इजी रहता है कंट्रोल करना टेंपरेचर को। थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है फिक्स बेड रिएक्टर का? देयर आर पॉसिबिलिटी टू डेवलप हॉटस्पॉट। इसमें पॉसिबिलिटी रहती है हॉटस्पॉट को डेवलप करने की, मतलब जो दाग धब्बे जो रहते हैं रिएक्टर्स में डेवलप होना शुरू होते हैं, बट फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर में क्या होता है? इसमें पॉसिबिलिटी नहीं रहती हॉटस्पॉट को डेवलप होने की। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, ये लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा नहीं लगता, बट फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर में ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा लगता है। और अभी हम बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, गैस सॉल्ट कॉन्टैक्ट इज नॉट एफिशिएंट। इसमें एफिशिएंट रहता है गैस सॉल्ट का कॉन्टैक्ट की, बट फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर में एफिशिएंट रहता है गैस सॉलिड का कॉन्टैक्ट। तो यही है दोस्तों पांच पॉइंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फिक्स बेड रिएक्टर और फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर का। और ये डिफरेंस जो है फाइव पॉइंट्स का मैंने जो समझा दिया हूं, और ये जो है एग्जाम में भी पूछा जाता है चार मार्क के लिए, चार मार्क के लिए दोस्तों ये पूछा जाता है। अगर आप एमएसबीटी के एग्जाम दे रहे होंगे दोस्तों, अगर आपकी ब्रांच अगर केमिकल है, केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आप डिप्लोमा कर रहे होंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको आना ही चाहिए। इसके बारे में आप नॉलेज रखिए, कभी भी ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो मैंने ये आपको समझाने का काम किया हो दोस्तों, आप अच्छे से इसको समझिए। अगर नहीं समझा होगा तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, मैंने समझा दिया हो। और कुछ नहीं समझा होगा तो मेरे को कमेंट करिए। अगर वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चले इतनी सारी चीजों के बारे में। तो चलिए मैं फिर मिलता हूं और एक नए और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, बढ़िया कुछ और अच्छा पढ़ाऊंगा आपको। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर एंड एंजॉय।